लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 India को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News 29 India में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाड़कुई से बाइक रैली द्वारा सैकड़ों की संख्या में नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व जन समुदाय को उन्होंने मिलन मैरिज गार्डन में संबोधित किया। वहीं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में नसरुल्लागंज तहसील के प्रांगण में पहुंचकर जन आंदोलन कार्यक्रम के तहत तहसील का घेराव किया और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान शिवराज ने कमलनाथ सरकार और उनके प्रभारी मंत्री को खरी खरी सुनाई, कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ प्रशासन ने कुछ गलत किया तो ठीक नहीं होगा। वहीं आरिफ अकील को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब तुम जिस तरह से गरीब लोगों के खेतों मकानों पर निशाना लगाकर उनको तोड़ने का काम कर रहे हो वह ठीक नहीं है। जिस तरह से मां नर्मदा से रेत के भारी भरकम डंपर निकल रहे हैं, जिससे मेरे कार्यकाल में बनाए हुए रोड खराब हो रहे हैं, उन्हें रोकने में कांग्रेस की सरकार नाकाम रही है। वहीं वर्तमान में कुछ निर्माणाधीन रोड जो रामनगर से खरसानिया बना है वह पूर्णता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशासन और पुलिस ईमानदारी से कार्य करें, अगर कांग्रेस सरकार की शव पर दमन किया तो आर पार की लड़ाई की जाएगी। कलेक्टर SP को चेतावनी दी कि रीढ़ झुकाकर काम करना बंद करें। मौके पर मौजूद ADM VK चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा, कहा अगला घेराव जरूरत पड़ने पर कलेक्ट्रेट का करेंगे। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट घेर कर बैठ जाऊंगा, किसान सम्मान निधि की पाई पाई चाहिए, पाई पाई। प्रधानमंत्री ने पैसा भेजे तो सजाओगे क्या? कर रहा कलेक्टर अभी तक कंबल ओढ़ के सो रहे हो? ये तो मैं दिखाई नहीं देता, बस तोड़ दो, मार दो, निकाल दो, भाजपा वालों पर केस कर दो। जी हजूरी कर रहे, अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई है। प्रभारी मंत्री बार बार चुप कर रहा है, धमकी दी जाती है, इस पर केस करवा देंगे, इसका घर तोड़ देंगे, इसी दुकान जमीन दोज कर देंगे। मैं प्रभारी मंत्री चेतावनी देना चाहता हूं, ये नस्तागंज बुधरी है, सीहोर जिला है, अगर जनता पर जुल्म ढाने की कोशिश की तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सड़कों पर लड़ेंगे, आदिवासियों को धमकी दी जाती है, जमीन आपने जमीन, और जो मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री के सारे लोग जनता को परेशान करेंगे वो सोच रहे हैं। सरकारें आपकी जाती रहती है, समय बदलते रहते हैं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मित्रों, अन्याय की अति हो गई है और जुल्म की पराकाष्ठा है। कमलनाथ सरकार से, कांग्रेस की सरकार से आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है, माताएं बहनें परेशान है। अब इसी क्षेत्र में अगर आप देखें तो रेत का अवैध खनन चल रहा है और माइनिंग विभाग का अफसर अवैध उत्खनन वालों के साथ मिलके यहाँ की रेत लुटवा रहे। मंत्री से लेके बाकी सब संदेह के घेरे में खड़े, रात रात भर डंपर चलते हैं, रात रात भर हमारे बनाए सारे रास्ते तोड़े दे रहे। हमने तय किया आज जो आंदोलन किया, रेत का अवैध उत्खनन प्रभावशाली ढंग से बंद होना चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता ने भी तय किया कि गांव गांव में नर्मदा सेना बनाएंगे और प्रशासन और ये सरकार नहीं रोकेगी तो जनता रोकेगी। लेकिन प्रशासन ने आश्वस्त किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया कई किसानों के खाते में, अब देने वाले दिल्ली में बैठे, नरेंद्र मोदी जी पैसा भेज रहे हैं,
यहाँ तक सब किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा और सरकार सो रही है। अजीब सरकार है। उस सरकार को हम जगाने आए। कर्जा माफ नहीं हुआ, 160 रुपया बोनस के नहीं मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो प्रभारी मंत्री अफसरों के गले पकड़ पकड़ के दबाते हैं। जनता बुरी तरह परेशान है। हिटलर शाही मचा रखी है। इसके खिलाफ FI करो, उसका मकान तोड़ दो, इसको पकड़ लो, उसको जेल में बंद कर दो। इसके लिए प्रभारी मंत्री है क्या? काय की सरकार है ये? और इसलिए लोग त्रस्त हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। मकान नाप दो, निशान लगा दो। अब ये मनमानी नहीं चलेगी। ये चीन चीन के देने का तो सुना था, चीन चीन के तोड़ने का हमने कभी नहीं सुना। आज हमने प्रदर्शन किया है, आदिवासियों की जमीनों पर निशान लगाए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। हमने कहा कि निर्णायक संघर्ष होगा अगर किसी आदिवासी गरीब की जमीन छीनी गई और किसी गरीब के आशियाने तोड़े गए। गरीब आखिर कहां जाएंगे? छोटे छोटे मकान टपरिया बना रहे हैं, छोटा छोटा काम धंधा कर रहे हैं, सब परेशान। बिजली का बिल नहीं भर पाए तो बिजली वालों ने पुलिस से उठवा दिया, सवेरे 4 बजे पकड़ के ले आए। अंधेर गर्दी चल रही है। विकास के सारे काम ठप्प, मेरा पैसा जितना मैंने स्वीकृत किया था सब वापिस भेज दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बन रहे हैं उनकी किस्तें नहीं दे रहे, अधूरे पड़े मकान, नए तो बनने बनना भाड़ में गया। जो स्वीकृत है और अध बने उन्हीं का पैसा नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार पनप रहा है और कलेक्टर इशारों पर काम करते हैं प्रभारी मंत्री के। मैं कभी अमर्यादित भाषा नहीं बोलता। मैं प्रशासन की गरिमा का मैंने हमेशा सम्मान किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने किसी को नहीं डराया, लेकिन प्रभारी मंत्री इशारा कर दे तो वो ही करेंगे, ये हम नहीं चलने देंगे कलेक्टर साहब किसी भी कीमत पे। SP क्या देख रहे हैं कि झूठे मुकदमे बनाओगे? और इसलिए आज हमने जनता के साथ यहां घेरा और प्रदर्शन किया है। आज हमें आश्वस्त किया गया है कि मांगे पूरी होगी, अत्याचार अन्याय नहीं होगा। किसी के मन में आए प्रभारी मंत्री कि कमल का फूल पे फुब्बारा लगा, फूल ही तोड़ दो। अभी हिटलर शाही कैसे चलने देंगे? ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी और चलाई तो जनता संघर्ष करेगी। हम सिराजी कल राजगढ़ में आपकी मौजूदगी में एक पूर्व मंत्री ने मेरी मौजूदगी में किसी ने कुछ नहीं कहा। महिला DM के प्रति अभद्र टिप्पणी कीजिए, क्या कहेंगे आप? मेरी मौजूदगी में किसी ने नहीं कहा और जिनने कहा उनने अपनी बात कह दी। हम महिला की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन थप्पड़ मारना कलेक्टर का वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के मंत्री आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप सत्ता का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए मंत्रियों को डरा रहे हैं। तो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। क्या अमर्यादित वालों को पार्टी से बाहर करेंगे? कभी वो सांसद को कहते हैं बाहर निकाल दो, कभी किसी बहन को कहते हैं कोई अगर बहन और बेटी अपना दुखड़ा लेके जाए तो इसको बाहर निकाल दो। ये तो सत्ता के मद में ऐसे चूर हो गए हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, ये दम्भ और अहंकार से भरे हुए हैं। और इनको मैं चेतावनी देता हूं कि दम्भ और अहंकार छोड़ो, जनता की सेवा करो, नहीं तो जनता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।